तो विशाल भाई, आपने हमें इलेक्ट्रिक साइकिल किट की अनबॉक्सिंग करके दिखा दी, इलेक्ट्रिक साइकिल भी हमें बनाकर दिखा दी, लेकिन इलेक्ट्रिक साइकिल किट के लिए हमें बैटरी की जरूरत है, वो आपने बनाकर नहीं दिखाई। तो हमें बनाकर दिखाओ, दिखाओ हमें बनाकर। रुको जरा, सबर करो। तो ऐसी आपकी कमेंट्स आती है, ऐसे डरावनी डरावनी कमेंट के, मतलब जैसे कि आप मुझे डांट रहे हो। वाह, क्या एक्टिंग कर रहे हैं यार भाई, थोड़ा प्यार से बोल दिया करो यार, मैं बनाकर दिखा दूंगा आप सभी को। तो भाइयों, मैं आपको यहाँ पर एक बैटरी बनाकर दिखाने वाला हूँ इलेक्ट्रिक साइकिल के लिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन बैटरी बनाने से पहले हमें कुछ सामान की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि भाई वो जो बैटरी है वो नॉर्मल बैटरी नहीं, उसके अंदर स्पॉट वेल्डिंग की जाती है। तो स्पॉट वेल्डिंग अगर मार्केट में लेने के लिए जाओगे आप, तो लगभग 13-14-15 हज़ार रुपए के आसपास मिलने वाली है ऑटोमेटिक वाली मशीन। लेकिन भाइयों, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, और पैसा है लेकिन हमारे पास उससे ज्यादा दिमाग है, हम उसको घर पे बना सकते हैं। नहीं मानता। और इसको मैं इस टाइप से बनाने वाला हूँ कि ये फुल ऑटोमेटिक होने वाली है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको स्पॉट वेल्डिंग की बात कर रहा हूँ, वो फुल ऑटोमेटिक होने वाली है। भाइयों, अब यहाँ पर क्या, स्पॉट वेल्डिंग तो बहुत सारों ने बना रखी है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, प्रॉब्लम आती है, मार्केट से जो खरीदते हैं उसके अंदर टाइमर सेट होता है कि हम 1 सेकंड बाद ऑटोमेटिक, हमारे जो बटन दबा हुआ रहता है उसके बाद भी ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, जिससे हमारी जो बैटरी है वो खराब नहीं होती है। तो चालू करते हैं इस वाली वीडियो को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर दो अभी की अभी। तो भाई, हम सबसे पहले यहाँ पर ले लेते हैं एक माइक्रोवेव ओवन, और ये जो मैंने पुराना वाला लिया है, नया वाला नहीं लेना है हमको, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। इसका हमें एक ट्रांसफार्मर जो होता है वो यहाँ पर निकालना है, और ये जो ट्रांसफार्मर होता है काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज वाला होता है। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है हमने निकाल लिया है, आप इसको डायरेक्ट निकालने के बाद 220 वोल्ट में मत लगाना, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हाई वोल्टेज का होता है। तो हमें सबसे पहले इसमें क्या करना होगा, इसको चेक करना होगा, इसका जो प्राइमरी वाइंडिंग है, नीचे वाला वाइंडिंग, वो हमें चालू चाहिए। ऊपर वाला जो वाइंडिंग अगर ख़राब भी होगा सेकेंडरी, तो भी हमारा ये काम कर देगा अच्छे तरीके से। तो हम सबसे पहले यहाँ पर जो मल्टीमीटर लेंगे और कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे इसका, कि ये चालू है फिर नहीं है। तो यहाँ पर हम इसका प्राइमरी वाइंडिंग देखेंगे, ये चालू है, और अब जो हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग है इसको हम यहाँ पर कट करके निकाल देंगे इस ट्रांसफार्मर के अंदर से। और भाइयों, अगर आपने अभी तक हमारी वेबसाइट जो mvbazaar.com उसको नहीं देखा है, तो आप जाकर देख सकते हो, जहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो है अदर वेबसाइट से काफ़ी कम रेट के अंदर मिलने वाले हैं। और वहाँ पर आपको मैं यह नहीं बोल रहा हूँ कि आप जाके खरीद ही लीजिए, आप एक बार प्राइस कंपेयर करके देख सकते हो, जहाँ पर अगर आपको कम रेट लगता है तो वहाँ से आप इनको परचेस कर सकते हो, जो आप सभी के लिए ही बनाई गई है। क्योंकि भाइयों, अदर वेबसाइट पे या फिर ऑफलाइन में बहुत सारा लूटा जा रहा है लोगों को, तो आप जाकर एक बार उसको विजिट करके ज़रूर देखना। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सेकेंडरी वाइंडिंग को निकाल लिया है, अब यहाँ पर प्राइमरी वाइंडिंग जो है, यहाँ पर हम इसमें दो वायर को कनेक्ट कर देंगे, ताकि 220 वोल्ट डायरेक्टली इसके अंदर हम दे सकें यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी सेकेंडरी कोयले उसको वापस से बनाएंगे। उसके लिए यहाँ पर हमें मोटे वायर की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो यहाँ पर 16 mm का मैं यहाँ पर वायर यूज़ करने वाला हूँ। और ये वायरल जो वायर होता है फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि वेल्डिंग मशीन जो होती है उसके अंदर यूज़ किया जाता है। और अगर आपको नहीं मिल रहा है ये ऑफलाइन, तो आपको mvbazaar पे ये मिल जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पर हमें इसकी 3 आटी लगानी होगी इस सेकेंडरी कोयल के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी 2 आटी तो आराम से लग जाएगी, लेकिन तीसरी वाली जो आटी है उसके लिए आपको धक्का मुक्की लगानी होगी और इसको अंदर की साइड में डालना होगा। तो फ्रेंड्स, ये आ जाएगी, लेकिन आपको थोड़ी मशक्कत करनी होगी इसके अंदर। अब यहाँ पर हम इसमें 220 वोल्ट देंगे और चेक करेंगे कि ये चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है। तो फाइनली आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है यहाँ पर। अब हमारे पास जो बेबी तो नहीं है, हमारे पास बाबा ज़रूर है, तो इस बाबे को हम बेस पे बिठाएंगे और यहाँ पर हम इसकी मार्किंग लगा देंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर मैं एक लकड़ी का टुकड़ा लिया है, ताकि इस मशीन का जो है बेस बन जाएगा, और नट स्क्रू बोल्ट द्वारा आप किसी के द्वारा इसको यहाँ पर अच्छी तरीके से चिपका दीजिए या फिर आप लगा दीजिए इसको। अब यहाँ पर एक लीवर बनाना होगा हमें, तो उसके लिए यहाँ पर मैं एक लकड़ी ले रहा हूँ और यहाँ पर 2 गुट्टे ले रहा हूँ जिनके अंदर मैंने होल कर दिए हैं, और एक लंबी सी कील जो होती है मोटी वाली, उसको कट करके एक शाफ्ट बना दी मैंने। तो यहाँ पर जो छोटे वाले गुट्टे हैं उनके अंदर जो ये होल है अच्छे से टाइट होना चाहिए, और लंबा वाला जो इसके अंदर आराम से फ्री होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लीवर बना लेंगे इसका इस टाइप से, जिसके आप वीडियो में देख रहे हो फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो लीवर है वो कंप्लीट हो चुका है, इस टाइप से वर्क करेगा। अब यहाँ पर हम इसको लगाने से पहले एक स्पॉट वेल्डिंग के लिए जो पॉइंट होते हैं वो बनाएंगे। तो यहाँ पर कॉपर के मैं 2 मोटे वाले वायर का यूज़ करने वाला हूँ।
अब इनको मैंने घिसने के बाद में हाथी के दांत जो होते हैं उस टाइप से यहाँ पर शेप दे दिया है, आगे से तीखा, और इस लीवर के अंदर यहाँ पर फिट कर लेते हैं इसको। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इसको फिट करने से पहले हमें दो होल करने होंगे ताकि अंदर की साइड में अच्छे से फंस जाए, और इसको इस टाइप से लगाकर ठोक देंगे अंदर की साइड में हम। फ्रेंड्स यहाँ पर देख सकते हो कि दोनों को मैंने इस टाइप से लगा दिया है, और इनके बीच में हल्की सी गैप रखी है मैंने ताकि आपस में टच ना हो। और यहाँ पर हम इसको इस टाइप से फिट करेंगे लीवर को। उससे पहले हम यहाँ पर बोर्ड के अंदर यहाँ पर होल कर लेते हैं, और बड़े कलर के जो दो स्क्रू होते हैं उनके द्वारा अच्छे से टाइट कर देंगे। फाइनली यहाँ पर ये अच्छे से लग चुका है। अब हमारी जो वायर है उनको हम छील लेंगे, और छीलने के बाद में जो हमने यहाँ पर कॉपर के वायर बनाए थे हाथी के दांत जैसे, उनके ऊपर यहाँ पर कनेक्शन कर देंगे इसका। तो फ्रेंड्स वायर का जो कनेक्शन है काफ़ी ज़्यादा सिंपल है, ऐसा कोई नहीं कि आपको रॉकेट साइंस लगाना होगा, बिल्कुल सिंपल सा यहाँ पर कनेक्शन है इसका। और इसको जो हम यहाँ पर ऑटोमेटिक बनाएंगे वो भी काफ़ी सिंपल है, आप वीडियो को लास्ट देखना पूरा देखना, आपको पूरा नॉलेज मिलेगा इसके अंदर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एमसील लेंगे और इसको एमसील से लगा देंगे ताकि मजबूती यहाँ पर बढ़ जाएगी इसकी। तो टेम्परेली मैं यहाँ पर टेप से चिपका रहा हूँ इन वायर को, बाद में हम इस टेप को खोल देंगे। तो यहाँ पर एमसील लेंगे, 10 रुपये की आपको इजीली मिल जाएगी मार्केट में, हर जगह मिल जाती है 10 रुपये के अंदर, तो वहाँ से परचेस कर सकते हो आप। और यहाँ पर हम इसको इस टाइप से लगा देंगे ताकि ये मजबूती बन जाएगी। सूखने के बाद ये पत्थर जैसी हो जाती है भाइयों, तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत कर देगी हमारे इन हाथी के दांत जैसे जो पॉइंट है इनको। और हमारा जो वायर है मोटा वाला, इस वायर को हम यहाँ पर लकड़ी के नीचे की साइड में सुपर ग्लू के द्वारा अच्छे से चिपका देंगे ताकि ये मजबूती से चिपक जाए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, देख सकते हो कि जो वायर है हमने इसको पीछे की साइड में ज़्यादा निकला है ताकि ऊपर नीचे करने पर इसमें जो वायर है वो खींचने में ना आए और आराम से ऊपर नीचे हो सके। अब यहाँ पर मैं इसके अंदर 220 वोल्ट की सप्लाई दूंगा, और फाइनली यहाँ पर ये काम करना स्टार्ट हो चुका है। तो अब यहाँ पर कुछ स्पॉट वेल्डिंग करेंगे हम, और अभी इसका काम पूरा नहीं हुआ है, इसके आगे और भी काम है, क्योंकि हम इसको ऑटोमेटिक बनाएंगे जिसकी 1 सेकंड के बाद ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। और वो क्यों करेंगे उसका भी आपको रीज़न मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो स्पॉट वेल्डिंग है वो काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहा है इसके अंदर, और अभी मैं इसकी मजबूती भी आपको पूरी अच्छी तरीके से दिखा दूंगा कि ये मजबूती से हमारा टांका लगा रहा है इसके अंदर। तो यहाँ पर मैं एक दो टांके लगा के दिखा दिया आपको, देख सकते हो ये अच्छे से काम कर रहा है। इस चाकू के ऊपर मैंने निकल स्ट्रिप को लगाया है, और आप देख सकते हो कि इसको मैं खोलने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन ये नहीं खुल रहा है, क्योंकि मजबूती से टांका लगा है। क्योंकि हमारा जो ट्रांसफार्मर फ्रेंड्स उसके अंदर हमने जो वाइंडिंग करी सेकेंडरी वाइंडिंग, उसके अंदर बहुत सारा एम्पियर बन चुका है, वो काफ़ी ज़्यादा है एम्पियर का हमारा ट्रांसफार्मर बन चुका है, जिससे इसकी जो स्पॉट वेल्डिंग है वो काफ़ी मजबूती से होती है। आप देख सकते हो कि निकल स्ट्रिप को मैंने प्लार से खोला, लेकिन जहाँ से स्पॉट वेल्डिंग की गई थी वहाँ से वो टूट गया है, उखड़ गया है, लेकिन वहाँ से निकला नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम फ्रेंड्स ये है कि ये लगातार चलती ही रहती है, ये रुकती नहीं है। मतलब अगर अपन ने यहाँ पर एक बार टिका दिया इसको तो ये बंद नहीं होगी, आप देख सकते हो कि ये बंद नहीं हो रही, लगातार गर्म होती जा रही है। इससे क्या होगा कि हमारी जो बैटरी है वो डैमेज हो सकती है, और हो सकता है कि वो फट भी सकती है गर्म होकर। तो फ्रेंड्स यहाँ पर तो ये काफ़ी मोटा लोहे का टुकड़ा था जो आप देख सकते हो नीचे से भी गर्म हो चुका था पूरा, तो ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे एक सर्किट के द्वारा, तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर देंगे ताकि हमारी जो बैटरी डैमेज ना हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने एक सर्किट बनाया है, इसके अंदर 2 रिले मैंने लगाए हैं, और एक कैपेसिटर लगाया है 1000 माइक्रोफेरेड का और 50 वोल्ट का, और एक 12 वोल्ट सप्लाई देने के लिए एक फीमेल जैक लगाया है, और एक पुश बटन यहाँ पर लगाया गया है। इसको मैंने 0 PCB के ऊपर डिज़ाइन किया है, और इसका जो सर्किट डायग्राम है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आप उसको फॉलो कर सकते हो, और इसी टाइप से आपको पूरा सर्किट बनाना है। और फ्रेंड्स ये जो सर्किट है काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, हम पुश बटन को एक बार दबाएंगे जिससे हमारी मशीन 1 सेकंड के लिए चालू होगी, और जैसे हम इस बटन को छोड़ेंगे और हमारी जो मशीन है वो वापस से रीसेट हो जाएगी। जैसे हमने एक बार दबाया इस बटन को तो हमारी जो मशीन है वो 1 सेकंड के लिए चालू होकर वापस बंद हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि हमारी मशीन 1 सेकंड से ज़्यादा चले, तो आप जो ये कैपेसिटर देख रहे हो इसका जो आपको माइक्रोफेरेड जो इसका वैल्यू है उसको बढ़ा देनी है। जैसे 1000 की जगह यहाँ पर आप इसको बढ़ाकर 2000 कर सकते हो, जिससे आपकी जो मशीन है 2 सेकंड के लिए चलेगी। अगर आपको कम करना है उसका टाइमिंग, तो ये जो वैल्यू है इसको कम कर दीजिए, आप इसमें 500 लगा दीजिए, आधे सेकंड के लिए चलेगी। तो जैसे इसका वैल्यू आप कम ज़्यादा करोगे तो इसका टाइमिंग भी कम ज़्यादा होता जाएगा, ठीक है। तो इसको यहाँ पर जैसे मैंने आपको डायग्राम दिखाया उसी टाइप से ट्रांसफार्मर से कनेक्शन कर देना इसका, और पुश बटन जैसे दबाओगे उससे 1 सेकंड के लिए चलेगी और ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगी, ठीक है। जैसे आप पुश बटन को रिलीज करोगे तो वापस से रीसेट हो जाएगा, और जैसे आप बटन दबाओगे वापस से चल जाएगा। तो इसको 12 वोल्ट की सप्लाई चाहिए इस सर्किट को, तो यहाँ पर हम एक एडाप्टर की लगाएंगे इसके अंदर 12 वोल्ट 1.5 एम्पियर का,
फ्रेंड्स अगर आपको ये एडाप्टर कम रेट में चाहिए तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप एक बार प्राइस चेक कर लीजिए, अगर आपको जहाँ सस्ता लगता है वहाँ से परचेज़ कर सकते हो। MB बाज़ार पे ही आपको मिल जाएगा लेकिन वहाँ पर काफ़ी कम रेट के अंदर मिलेगा, ठीक है। 1.5 एम्पियर का ये हमारा ट्रांसफार ये एडाप्टर है, तो आप जैसे देख सकते हो मैंने एक बार दबाया, इसको दबा कर रख रखा है, फिर भी एक सेकंड के लिए चालू होकर बंद हो चुका था, वापस रिलीज हुआ है और वापस मैंने दबाया, एक सेकंड चालू हुआ और बंद हो चुका है। अब यहाँ पर एक बैटरी ले रहा हूँ मैं और बैटरी पे यहाँ पर आपको एक स्पॉट वेल्डिंग करके दिखाऊंगा। मैंने एक बार बटन को दबाया है, दबा के रख रखा है मैंने, तो भी एक सेकंड के लिए बंद हो चुका है और आप देख सकते हो कि हमारा जो यहाँ पर काफ़ी मजबूती इसने किया और बैटरी भी डैमेज नहीं हुई हमारी। एक सेकंड के लिए चालू होगा और ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा फ्रेंड ये सर्किट के द्वारा, तो ये हमारी बैटरी को भी डैमेज नहीं करेगा और हमारा काम भी पूरा हो जाएगा। देख सकते हो कितनी मजबूती से इसने यहाँ पर हमारा स्पॉट वेल्डिंग किया है। तो यहाँ पर हमारा जो स्पॉट वेल्डिंग टूट गया लेकिन ये उखड़ा नहीं, मतलब उखड़ गया है लेकिन यहाँ पर वहाँ से खुला नहीं जहाँ से स्पॉट वेल्डिंग किया था। तो भाइयों कैसा लगा ये वाला स्पॉट वेल्डिंग मशीन आपको, और अगर आपको इलेक्ट्रिक साइकिल किट चाहिए तो अपनी वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप परचेस कर सकते हो। बैटरी जो है मैं आपको यहाँ पर नेक्स्ट वाली वीडियो में बनाकर दिखा दूंगा। अगर आपको स्पॉट वेल्डिंग मशीन ये नहीं है, अगर आपके पास सामान नहीं है, आप चाहते हो कि हम पूरी की पूरी बैटरी बनी हुई ले लें, तो आपको वो भी हमारी वेबसाइट पर मिल जाएगी। हम यहाँ पर बनाकर आपको यहाँ पर पूरी कंप्लीट करके आपको पूरी बैटरी हम दे देंगे यहाँ पर। और हमारी वेबसाइट इसके अंदर बहुत सारा सामान है, आपको कम रेट के अंदर मिल जाएगा अदर वेबसाइट के मुकाबले। जो आपको ऑफलाइन मिलता है उसी रेट में आपको, उससे भी कम रेट में आपको वेबसाइट में मिल जाएगा। तो आप जाकर देख सकते हो उस वाली वेबसाइट को, लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसका नाम है MV बाजार, जहाँ से आप इनको सारे सामान को परचेस कर सकते हो। बैटरी का हमारा रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा, आपको बनी हुई भी मिल जाएगी, कुछ टाइम बाद मैं यहाँ पर बनाकर अपलोड कर दूंगा इसके अंदर, ठीक है। मिलते हैं वीडियो में, जय हिंद जय भारत, बाय एवरीबॉडी।